लोकशक्ति न्यूज नातं विश्वासाचं। सोलापूर शहरात ड्रेनेज व्यवस्था पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाल्याचं सध्या चित्र आहे। नळाला पाणी आलं किंवा पाऊस आला की ठिकठिकाणी ड्रेनेज लाईन तुंबल्यानं रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात घाण पाणी साचतं, त्यामुळे नागरिकांना येजा करताना मोठा त्रास सहन करावा लागतो। सर्वात जास्त या समस्येचा सामना महिला, लहान मुले आणि वृद्ध व्यक्तींना करावा लागतो। ड्रेनेजची समस्या दूर करण्यात महानगरपालिका संपूर्णतः अपयशी ठरत असल्याचं सिद्ध होत आहे। शहरातून पाण्याचा निचरा होण्यासाठी अनेक वर्षांपूर्वी टाकलेली ड्रेनेज व्यवस्था सध्या मृतावस्थेत असल्याचं दिसतं। प्रभाग क्रमांक 21 मधील अमन चौक परिसरात गेल्या अनेक वर्षांपासून ही समस्या सुटता सुटत नाही। ड्रेनेज लाईन सतत तुंबत असल्यानं ड्रेनेजचे घाण पाणी रस्त्यावर साचते, त्यामुळे नागरिकांची मोठ्या प्रमाणात गैरसोय होत आहे। या परिसरातच धार्मिक स्थळ असून घाण पाण्यातून वाट काढत भाविकांना पाच वेळेची नमाज पडण्यास जाण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागते, त्यामुळे मशिदीतील स्वच्छतेचा प्रश्न ऐरणीवर आलाय। लोकप्रतिनिधी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना अनेक वेळा सांगूनही या समस्येचा निपटारा करण्याची तसदी कोणीच घेत नाही, अशी इथल्या नागरिकांची तक्रार आहे। रस्त्याच्या कडेला भाजी विक्री, किराणा, स्टेशनरी, मेडिकल इत्यादी प्रकारची दुकाने आहेत। या दुकानात जाण्यासाठी ग्राहकांना मोठी अडचण निर्माण होते। घाण पाण्याची विल्हेवाट लागेल तेव्हा लागेल, पण आपल्या ग्राहकांची गैरसोय होऊ नये म्हणून इथल्या व्यापाऱ्यांनी फरशा टाकून त्यांची तात्पुरती सोय केल्याचे दिसते। या परिसरातील समाजसेवक वहाब सय्यद यांनी अनेक वेळा संबंधित अधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली, पण अद्याप यावर कायमचा तोडगा निघालेला नाही। नागरिकांची गरज ओळखून तसेच मशिदीचा परिसर स्वच्छ राहावा यासाठी महानगरपालिका प्रशासनाने याकडे लक्ष देऊन ताबडतोब ड्रेनेजची समस्या दूर करावी, अशी मागणी वहाब सय्यद यांनी केली आहे। वार्ड क्रमांक 21 साईनाथ नगर 1, साईनाथ नगर 2, अमन चौक, ये रोड पर गंदा पानी जा रहा है। कोई मेंबर इधर आकर देखने के लिए तैयार नहीं है, और मैंने जोन अधिकारी को भी बता दिया और नीचे के जो मुकादम है साफ सफाई के उनको भी बोला, लेकिन उनके हाथ से कोई काम नहीं हुआ। ये 4 दिन से चल रहा है और इधर मस्जिद है और यही गंदी के पानी से लोग उधर मस्जिद में आ रहे जा रहे हैं, और एक तो बीमारी का साथ चल रहा है, कोई इधर ध्यान दे रहा नहीं। ये है जोन क्रमांक कितना है? जोन क्रमांक इसका 5 है। 5 का बॉर्डर को मैं बता दिया है। अच्छा, कोई मतलब ध्यान देते नहीं? इधर देते नहीं, कोई ध्यान नहीं देते, तो केयरलेस करते हैं। अच्छा, इसमें भी राजकारण है। अच्छा, मेन रोड है अमन चौक से मजरवाड़ी तक की, और इधर एक 50 घर है और मस्जिद है, और ये 4 दिन से चल रहा है। ये गंदा पानी है और ये पेशाब और टॉयलेट का पूरा पानी है, लोगों को आने जाने के लिए तकलीफ़ है, और ये बीमारी की साथ चल रही डेंगू की। ऐसे पीरियड में नमाज को आना जाना बहुत प्रॉब्लम है। 4 नगर शहरों होने के बावजूद भी इधर कोई झाँकता नहीं है। अभी इलेक्शन नज़दीक आ रहा है, सब अपनी गली में फिर रहे, लेकिन ये रोड पर का कोई देखने के लिए तैयार नहीं है। और मेरा कहना ये है कि ये मेन लेन भरी है, इसको साफ करना चाहिए। अच्छा, ये इसके बारे में कहाँ पर आप शिकायत वगैरह करेंगे? शिकायत तो मैं अधिकारों को बोला था, क्योंकि मेरे को गरज नहीं कि मेंबर लोगों को पास जाने की, उनको गरज है कि वार्ड में अपना क्या चल रहा है देखने के लिए। अच्छा, हाँ, कौन से अधिकारी को बोले थे आप? मैं उनका मकानदार को भी बोला था, फिर और दूसरा बॉर्डेकर को भी बोला था, उसके बाद ये 2 लेन साफ किए, लेकिन वो लोगों का काम नहीं है, वो गाड़ी का काम है, लेकिन मेरी पहुंच वहाँ तक नहीं, इसलिए वो काम नहीं हो सका। अच्छा, ये